आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, यहाँ अपने सामने एक गद्यांश है, उसे अपने पढ़ते हैं। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन साथ साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिसने शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। यह अपना एक अध्यांश है, और इससे संबंधित प्रश्न है, सभ्य व्यक्ति वह है जो नए आविष्कार करता है, जो आविष्कारों का ज्ञाता है, अच्छे कपड़े पहनता हो या शिक्षित हो। देखिए, जो नए नए आविष्कार करता है, नए आविष्कार करता है, आविष्कार करता है, उसे इस गद्यांश में क्या कहा गया है? संस्कृत व्यक्ति कहा गया है, संस्कृत व्यक्ति कहा गया है। परंतु जो व्यक्ति नए नए आविष्कारों का ज्ञाता हो, जो आविष्कारों का ज्ञाता हो, ऐसा व्यक्ति सभ्य व्यक्ति कहलाता है, सभ्य व्यक्ति कहलाता है। तो यहाँ पे अपने से सभ्य व्यक्ति के बारे में पूछा गया है, तो वो हो जाएगा जो आविष्कारों का ज्ञाता हो। विकल्प नंबर दो अपना इसका सही उत्तर है, नए आविष्कार करता हो वो संस्कृत व्यक्ति होता है, संस्कृत व्यक्ति, और जो आविष्कारों का ज्ञाता हो वो सभ्य व्यक्ति होता है। तो अपने प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर दो हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।